नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर पूरा देखना है और कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शनि। तो देखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को, और दो नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत कोकिला इज द निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत कोकिला निम्न में से किसका उपनाम है। ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो जल्दी से बताना है भारत कोकिला निम्न में से किसका उपनाम होता है। तो देखिएगा, भारत कोकिला जो होता है वो आपका सरोजिनी नायडू का उपनाम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरुदेव किनका उपनाम होता है, तो गुरुदेव जो होता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और देशबंधु जो कहा जाता है आपका चित्तरंजन दास को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को, और तीन नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लास्ट जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड, यानी कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका नेसेट, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, इजराइल की संसद को जो कहा जाता है वो आपका नेसेट कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है नेसेट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को जो कहा जाता है आपका ड्यूमा कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को, और चार नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को, और पांच नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आपका 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी संविधान में वर्णित नहीं है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी 35 वर्ष, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज जो होना चाहिए आपका 25 वर्ष का होना चाहिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बीरबल रियल नेम वाज, यानी कि बीरबल का असली नाम क्या था। ऑप्शन आपका चंद्रसेन, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी महेश दास या ऑप्शन डी मोहम्मद असलम। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, बीरबल का असली नाम जो था वो आपका महेश दास है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी महेश दास, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद या ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो जल्दी से बताना है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विक्रमशिला वाज द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो जल्दी से बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपका देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी शशांक या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी धर्मपाल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना। और चैनल पर ना, जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इज देयर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन है। जल्दी से बताना कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन गैस की मात्रा है। तो देखिएगा, इसका
राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 0.93%, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है आपका 0.03% होता है, और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो आपका 21% होता है, और नाइट्रोजन का 78% होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को, और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन मंडल वायुवान चालकों के लिए आदर्श माना जाता है। ऑप्शन आपका मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, या ऑप्शन डी समताप मंडल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 28 फरवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 8 मार्च, या ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो जल्दी से बताने कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी 9 जनवरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और युवा दिवस जो मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। ऑप्शन आपका 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1911, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो देखिएगा बिहार बंगाल से जो हुआ था वो आपका 1912 में अलग हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो आपका 1936 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन भी आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पंचतंत्र हैज बीन रिटन बाय, यानी कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, या ऑप्शन डी पतंजलि। तो जल्दी से बताना है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा पंचतंत्र जो लिखा गया है वो आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए रघुवंशम जो होता है वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो आपका पतंजलि थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो अर्थ है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF दे दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इंडियन आर्मी स्टूडियो सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा गरबा जो होता है वो आपका गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो होता है वो आपका नौटंकी रासलीला जो होता है आपका उत्तर प्रदेश का होता है, और घूमर नृत्य जो होता है आपका राजस्थान का होता है, और राउफ जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन आपका देवदत्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी नरेंद्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था आपका सिद्धार्थ, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम जो था वो आपका राहुल था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका लुम्बनी में हुआ था, और बात कर ले इनकी मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था आपका कुशीनगर में, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते हैं तो एक एक लाइक कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है जाकर जल्दी से कमेंट करके बताना कि टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट दिया था कम से कम आपको 13+ का सही जवाब देना था, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से एक एक लाइक कर देना है, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।